हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो हम दोबारा आ गए हैं एक बहुत अच्छा सा बहुत ही सुंदर सा ट्यूटोरियल लेके। जैसे ही आपने बिफोर एंड आफ्टर एंड हमारी कवर पिक्चर देखी आपको समझ में आ गया होगा ये कैसी लुक है। ये हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छी वायरल हुई थी। तो इस लुक को स्टार्ट करते हैं विद द मॉइस्चराइज़र। जो अभी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं वो है एम्ब्रोलेस ब्रांड का, क्योंकि जो इनकी स्किन टाइप है वो थोड़ी सी ड्राई बेस है और हमें जो स्किन रखनी है वो थोड़ी सी नेचुरल एंड ड्यूई रखने वाले हैं और बहुत ही अच्छा है मेकअप रखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि हम बहुत से अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स विद बहुत अच्छे ही डिटेल्ड ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले आपको पता होगा कि आफ्टर मॉइस्चराइज़र हमें क्या करना है एंड आफ्टर प्राइमर हमें क्या करना है करेक्शन। तो करेक्शन अभी हम कर रहे हैं विद द एलिगल ऑरेंज करेक्टर। जब भी आपको करेक्टर लगाना है आपको अपने ब्रश को डैप डैप करके ऑरेंज करेक्टर को लगाना है। जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये मैं ब्रांडन का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ब्रश है, थोड़ा सा टेपर्ड ब्रश है। आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, फ्लफी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जौन सा भी ब्रश आपको कंफर्टेबल है। टैनिंग एरियाज हमारे कौन से होते हैं? अराउंड द लिप्स हमारा डार्क एरिया होता है, अंडर आइज डार्क होती हैं एंड फॉरहेड डार्क होता है। तो हमारा इससे ऑरेंज करेक्टर है अप्लाई हो चुका है। देन नेक्स्ट अभी हम वॉर्म हनी लगा रहे हैं। वॉर्म हनी इसीलिए लगा रहे हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप फुल कवरेज लगा रहे हो। वॉर्म हनी हम इसीलिए लगाते हैं ताकि जो ऑरेंज की इंटेंसिटी है एक तो करेक्शन को और थोड़ी कवरेज मिले, प्लस जो ऑरेंज करेक्टर है वो थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए ताकि बेस में हमें ज़्यादा ऑरेंज ना दिखे। तो इसीलिए आप अकेला वॉर्म हनी भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कितना जो आपका करेक्शन एरिया है वो डार्कर है। अगर तो बहुत ज़्यादा डार्कर है तो आप ऑरेंज लगा सकते हो, अगर कम डार्कर है नॉर्मल है तो आप सिर्फ वॉर्म हनी भी लगा सकते थे। नेक्स्ट स्टेप, अभी हम अपने बेस को अच्छा सा बिल्डअप करने के लिए डर्मा यूज़ कर रहे हैं और जो डर्मा का शेड यूज़ कर रहे हैं वो है D3 एंड D4, क्योंकि इनका फेयर शेड है तो फेयर को मैच करते हुए शेड को स्किन टोन को मैच करते हुए हमने दो डर्मा के शेड्स लिए हैं और अच्छे से विद द स्मॉल फ्लैट ब्रश हम अपने फेस पे ड्रैग करेंगे। जहाँ पर तो करेक्टर हमने अप्लाई नहीं करा है वहाँ पर हम ड्रैग करेंगे, जहाँ पर करेक्टर अप्लाई किया हुआ है वहाँ पर आपको ऑलवेज डैप डैप करना है और फुल फेस को आपको अच्छे से कवर करना है। और गाइस मेरे को कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसे की ट्यूटोरियल चाहिए, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ अगर कनेक्टेड रहोगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा ये यूट्यूब चैनल रन करने में, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँगा जिस पे मेरी ऑडियंस को दिक्कत आ रही है और वो चीज़ सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो इसी से ही हमारा फुल फेस कवर हो चुका है। थोड़ा सा हमने कट शॉट किया हुआ है क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी लंबी है, हमने डिटेल रखने की भी कोशिश करी है एंड उसी सिमिलर थोड़ी सी छोटी भी करने की कोशिश करी है, बट इसमें सारी ही डिटेल्ड वीडियो आपको ऑलरेडी एडेड है। तो अभी हम अपने बेस को ब्लेंड कर रहे हैं, बहुत इवनली आपको ब्लेंड करना है। जो मैं ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ ये है प्लूम का, बहुत ही सुपर सॉफ्ट पिंक ब्लेंडर है। तो फुल फेस को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है इसे। अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे जो हमारे ब्रशेस के पैचेस हैं वो दिखते रहते हैं, तो आपने हर एक एरिया को अच्छे से ब्लेंड करना है। तो आफ्टर डर्मा हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसीलर्स। और जो कंसीलर अभी हम यूज़ कर रहे हैं आप सबको पता है हम कौन से ब्रांड के मोस्टली करते हैं, सभी ब्रांड्स के करते हैं, बट कुछ ऐसे कंसीलर्स भी होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो है टू फेस के। अभी हम जो रिसेंटली यूज़ करें वो टू फेस का जो शेड लगा रहा हूँ वो है लाइट बेज, बहुत ही अच्छा शेड है, आप डेफिनेटली अपनी वैनिटी में बाय करके रखो क्योंकि ऐसा स्किन टोन है मोस्टली हमारे पास ऐसे आता ही आता है। तो लाइट बेज शेड आपके पास नेसेसरी होना ही चाहिए इन टू फेस। तो हमारे हाइलाइटिंग एरियाज कौन से होते हैं? अंडर द आईज, चिन एरिया हो गया, अपर लिप्स एरिया हो गया, फॉरहेड एरिया हो गया, अंडर चीक बोन पे आप ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो अवॉइड भी कर सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लेंडिंग विद द ब्रश जो कि है रियल टेक्निक का 300 नंबर है इसका, बहुत ही अच्छा ब्रश है, आप इजीली इससे ब्लेंड, बल्कि इससे पता क्या होता है कि हम अपने ब्रश को अच्छे से पुश कर पाते हैं, फाउंडेशन को पुश कर पाते हैं विद इन द स्किन ताकि वो मर्ज दिखे, ऊपर ऊपर ना लगे। तो ये ब्रश बहुत अच्छा हमें हेल्प करता है। ओनली ब्लेंडर से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो इसलिए मैं ये ब्रश ऑलवेज़ यूज़ करता हूँ।
और बहुत इवनली आपको ब्रश ऐसे ड्रैग नहीं करना है, जस्ट डैप डैप करना है। तो थोड़ा सा फेस पे कलर ऐड करने के लिए हम ब्लशर यूज़ करने वाले हैं, वो है मेरा फेवरेट ब्रांड रिकोड एस ऑफ बेस ब्लशर, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लशर है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। आप छोटा बड़ा ब्रश जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, फ्लफी ब्रश आप उससे भी लगा सकते हो। बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना कि यही ब्रश हमें चाहिए, कभी भी नहीं। जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं वो आपका ब्लशर ब्रश है। तो अपने ब्रशेस को आप खुद नेम कर सकते हो, किसी के नेम से आप अपने ब्रशेस को उस अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। तो हमने चीक एरिया पे, हल्का सा नोज पे एंड चिन एरिया पे पिंकी पिंकी सा ब्लशर लगा चुके हैं, अच्छे से कवरेज कर रहे हैं, अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। आफ्टर दैट थोड़ा सा फेस को कॉन्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डीप सैंड फ्रॉम टाट ये टाट का है, टाट बहुत अच्छा ब्रांड है, थोड़ा सा ड्राई है बट आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कवरेज है। जिनकी कवरेज नहीं होती तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा फॉरहेड पे अप्लाई किया, कॉन्टोर एरिया पे अबव द ईयर अप्लाई करा थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए, एंड अपनी जॉ लाइन पे जो भी एक्स्ट्रा हमारा एरिया होता है डबल चिन का एरिया, उस पर अच्छे से उसको ब्लेंड करने लगाऊँ। बिल्कुल भी मेरे को शार्प शार्प कॉन्टोर अच्छा नहीं लगता, वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग टाइप पे रखता हूँ, उसे अच्छे से डाइल्यूट करता हूँ स्किन पे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और कभी भी ब्रॉन्जर या कॉन्टोर को नीचे नहीं लेके आना, फेस ना ढलकना शुरू हो जाता है, तो आपको ऑलवेज उसे थोड़ा सा अपलिफ्टेड रखना है। जिस डायरेक्शन में मैंने लगाया, ट्राई करना वैसे लगा के देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा फेस अपलिफ्टेड लगता है ऑलवेज। सिमिलरली दूसरे साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं आपको ताकि डिटेल पता लग जाए। सिमिलरली दूसरे साइड पे तो सिमिलर होता है तो आप बोर हो जाओगे, तो हमने थोड़ा सा उसे कट शॉर्ट किया हो तो माइंड ना करना। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता है पाउडर सेटिंग, विदाउट पाउडर सेटिंग कभी भी बेस स्टेबल नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ड्यूइनेस अचीव करने के लिए कभी भी ऐसा मत करना कि पाउडर नहीं लगाना, पाउडर लगाना ही लगाना है, चाहे कम लगाओ बट लगाना है। तो अभी अंडर आई सेट करेंगे, तो अंडर आई सेट करने से पहले हमने उसे ब्लेंडर से टैप करा, क्रीजिस को आउट करा, देन उस पर हम पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। पाउडर आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, मेरे को ब्लेंडर से ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। तो सबसे पहले क्रीजेस कहाँ पर आती हैं, हमारी अंडर आइज़ पे आती हैं, लाफ लाइंस पे आती है, तो मैं सबसे पहले वहाँ पर रखता हूँ ताकि लाफ लाइंस हमारे कंट्रोल हो जाए, बट वो हमारे हाथ में नहीं होती। अगर वो बाद में भी आफ्टर वन आर या विद एन आर या ड्यूरिंग मेकअप भी अगर वो अपनी स्माइल करेंगे, कई बार कुछ क्लाइंट्स बहुत लाउड लाफ करते हैं तो उनके वो स्माइलिंग आती आती हैं। आप सर्जन नहीं हो कि आप लाफ लाइंस को गायब कर दोगे, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है बाबा, हम नहीं कर सकते। ब्रॉन्जिंग करने लगे हैं तो ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोर में भाई कोई डिफरेंस नहीं होता। ब्रॉन्जिंग इज़ जस्ट अ लाइटर वर्जन, कॉन्टोर इज़ जस्ट अ डार्कर वर्जन ऑफ कॉन्टोर। तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। मेरे को थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग अच्छा लगता है, लिटल इतना सा या इससे भी कम। तो अपने कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर को सेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर ब्रॉन्जर, जो कि मैं शोपैरल का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, हुला ब्रॉन्जर, फॉरएवर 52 का, या कोई भी आपके पास ब्रांड अवेलेबल है। कभी भी पर्टिकुलर नहीं होना, जस्ट आपकी हाथ की टेक्निक्स मैटर करती हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, आपका हाथ स्मूथली चलना चाहिए, ब्रशेज अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तो अभी हम नोज कॉन्टोर कर रहे हैं। ये मेरा जो ब्रश है वो है बेली का, बहुत ही अच्छा ब्रश है, बेली के सेट में आता है। आप कोई भी छोटा फ्लफी ब्रश ले सकते हो उसको लगाने के लिए, या अपना फेस का कॉन्टोर ब्रश को भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा उसे स्टीपर करना है बस। तो अभी हम शार्लेट टिलबरी का ब्लश यूज़ करने लगे हैं, जो कि मेरे को पर्सनल फेवरेट, बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैट है। मेरे को बहुत ज़्यादा शिमरी शिमरी भी नहीं अच्छा लगता, इसका कलर बहुत अच्छा है। तो कोई भी आप फ्लफी ब्रश ले सकते हो, मैं अभी मॉर्फी का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ब्रश है और एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ है इस ब्लशर का। ये आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, आप रीजनेबल ब्रांड का भी बाय कर सकते हो। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉस्टली है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी कौन सा यूज़ करा था, के ब्यूटी के भी बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा सा अगर कभी बेस आपको ड्राई लगे, आप थोड़ा सा उसे हाइड्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैक फिक्सर।
तो मैक फिक्सर अभी हमने अप्लाई करा है, बेस को थोड़ा वेट कर लिया ताकि वो थोड़ा सा मर्ज हो, जो ड्राइनेस आपको फील होती है वो थोड़ी सी मर्ज हो जाए, देन उसके बाद आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। हाइलाइटर अभी हम डायोर एंड बेनिफिट का अप्लाई कर रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे ये हाइलाइटर्स। मेरे को हाइलाइटर कभी भी ना पिगमेंटेड नहीं अच्छे लगते, ऑलवेज मेरे को स्किन फिनिश वाले जो स्किन में मर्ज हो जाए एंड ग्लो करें वो अच्छे लगते हैं। जितने ऊपर ऊपर हाइलाइटर्स दिखते हैं उतना थोड़ा सा चंकी लगता है, मे बी वो सबको अच्छे लगते हो बट मेरी थोड़ी पर्सनल प्रेफरेंस कम है। और जो ब्रश है मेरा ये बहुत अच्छा ब्रश है फ्रॉम मॉर्फी, बहुत ही अच्छा है फ्लफी ब्रश। आप हाइलाइटर ब्रश लिखना कहीं भी आपको ये सर्च में मिल जाएगा। आई थिंक इसका जो नंबर है वो है M501, काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम काजल फिल नहीं करते ऑलवेज हमें आईज़ थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है, तो डाउनवर्क अच्छा रखो या तो काजल अच्छा रखो। एंड काजल आपको पता ही है मेरा मोस्ट फेवरेट काजल कौन सा है, वो मेरे को कमेंट डाउन करके बताना। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो जो मेरा इधर मेंशनड है हिमांशु गुप्ता मेकअप, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैं कौन सा काजल लगाता हूँ रेगुलरली, तो आपको पता होना चाहिए। मेरे बाकी अगर आपने यूट्यूब्स देखे हैं तो आपको पता होगा, मेरे को वो ब्रांड मेंशन करके बताना कि जो मैं काजल पेंसिल ऑलवेज़ रिकमेंड एंड यूज़ करता हूँ अपनी ब्राइड्स पे। तो हम अंडर आई वर्क कर चुके हैं, अंडर आई अभी सिर्फ मैं आपको एक आई का डेमोंस्ट्रेशन देने वाला हूँ, सेकंड आई ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। तो एक आई को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये पैलेट है सिप सिप हुर्रे फ्रॉम टिप्सी ब्यूटी, बहुत ही अच्छी पैलेट है, कोई फॉल ऑफ बहुत रेयर है एंड पिगमेंटेड बहुत है, बहुत अच्छी शिमर्स हैं इसके। तो स्मजिंग ब्रश या पेंसिल ब्रश से हम अपना डाउन वर्क को थोड़ा सा शेडिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी मैंने पहले इससे पहले ब्राउन पेंसिल लगा के स्मज करा था, देन उसे मैं पाउडर से सेट कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ टिप्सी ब्यूटी पैलेट। और अगर आपको लगता है कि आपने आई वर्क करना है एंड ऊपर से आपके जो पाउडर हैं मतलब कलर पाउडर हैं वो गिर सकते हैं, फॉल ऑफ हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा पाउडर रख के चलें। तो आईज़ पे अभी तक हमने कंसीलर नहीं लगाया था, तो मैं टाट का कंसीलर लाइट मीडियम लगाने लगा हूँ, बहुत थोड़ा सा लगाना, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, उसी को आपने स्प्रेड कर देना है। कोई भी फ्लफी ब्रश लेके फ्लैट ब्रश लेके उसे अच्छी तरह से मर्ज करना है, आप ब्लेंडर से भी उसे इवन कर सकते हो। तो अभी हम 35XO पैलेट यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम मॉर्फी, बहुत अच्छी ब्राइडल पैलेट है, काफ़ी अच्छी है यार, सब पे यूज़ हो जाती है, कुछ आपके पास दो तीन अच्छी पैलेट्स होनी चाहिए, तो मेरी उनमें से है। तो अभी हम थोड़ा सा पिंकिश कलर ले रहे हैं, अपनी ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हैं। और जो ब्रशेज मेरे मिक्सड होंगे, अभी ये मैं बाली का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। एंड इसे ब्लेंड करते जाना है जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आपको जस्ट देखो यार, मेकअप मतलब ब्लेंडिंग इज़ द की, ब्लेंड 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 एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ब्लेंडिंग पे फोकस करोगे, तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ यार ये आई मेकअप करा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वैसी फिनिश आपको मिलनी चाहिए। मैंने भी प्रैक्टिस करी तो आजकल मैं ये आई मेकअप्स कर पा रहा हूँ। हमें भी अभी भी दिक्कत आती है तो हम उस चीज़ की और प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस एंड होप नहीं छोड़नी है। एंड एंड से थोड़ा सा मैं डार्कर करने के लिए अपनी मर्करी पैलेट में से जो एंड के लास्ट टू शेड्स होते हैं कुछ बर्गंडी कलर के वो यूज़ कर रहा हूँ, एंड थोड़ा सा आउटर कॉर्नर को डार्कर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीलिशियस ब्रश, जो थोड़ा सा छोटा ब्रश है ब्यूटीलिशियस का या स्मॉलेस्ट ब्लेंडिंग ब्रश है ब्यूटीलिशियस का, बहुत अच्छा ब्रश है। अच्छे से हम उसे ब्लेंड आउट करेंगे, देन फ्रंट पे एक अच्छा सा शिमर रखेंगे। एंड गाइज, जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, इसे लाइक कर शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मैं बहुत सारी रेगुलर वीडियोस लेके आऊँगा, बट आपको इसे प्यार देना है एंड लाइक करना है, एंड मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये लुक कैसा लगा और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, क्योंकि हम ट्राई करते हैं हम आपको ईच एंड एवरी ब्रांड की आपको नॉलेज दें एन एप्लीकेशन टू।
तो अभी हम पिगमेंट लगा रहे हैं, ये इंदिरा कॉस्मेटिक का पिगमेंट है। शिमर लगाया, शिमर के बाद ग्लू लगाई, देन फ्लैट कम फ्लफी ब्रश से ब्यूटीलिशियस के हम अपनी पिगमेंट लगा रहे। देखो पिगमेंट कितना सॉफ्ट एंड कितना सुपर स्मूथ आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छे पिगमेंट लगते हैं। ग्लिटर्स वगैरह चंकीनेस मेरे को इतना नहीं अच्छा लगता, वो मर्जी है ब्राइड की या क्लाइंट की या आपके लुक पे डिपेंड करता है, बट शिमर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा चंकीनेस नहीं अच्छी लगती। तो अभी हम इंग्लॉट का जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश जो है प्रो आर्ट का, उससे लगा रहे हैं और अपने एंड्स को अच्छे से स्मज कर रहे हैं। वैसे विंग लाइनर नहीं लगाने वाले, अपने एंड को अच्छे से स्मज कर रहे हैं। एंड मस्कारा कर रहे हैं, मस्कारा जो है ये वो मेरे को आप बताओगे, एक आपने मेरे को काजल पेंसिल बतानी है, एक मस्कारा बताना है। तो मस्कारा आपको देख के वैसे पता लग गया होगा, पहचान आ जानी चाहिए आपको प्रोडक्ट्स को देख के, क्योंकि आप इतनी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो प्रोडक्ट्स दिमाग में बैठने चाहिए। अभी मैं लैशेस जो यूज़ कर रहा हूँ वो है एलजी लैशेस, बहुत ही अच्छी लैशेस हैं, थोड़ी सी फॉक्सी आन तो लगाती, देखो कितनी लुक चेंज हो जाती है हर एक चीज़। आईब्रोज बनने से देखना कितनी लुक चेंज हो जाएगी। तो आईब्रोज़ के लिए आप पोमेड भी यूज़ कर सकते हो, पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। करंटली मैं अभी पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ये मैक के कुछ चॉकलेट ब्राउन शेड्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी से हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है, एंड सेकेंड आई मेकअप हमारा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। बट जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो लिपर है, लिपर को हम डिवाइन करेंगे, थोड़ा सा ओम्ब्रे लुक देंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने थोड़े से ओम्ब्रे लिप्स इसमें करे थे ताकि आप रिकॉर्ड करूँ, कुछ बहुत ज़्यादा पूछते हैं ओम्ब्रे लिप्स कैसे करने कैसे करने, बट मेरे को इतने नहीं अच्छे लगते जितने मैंने अभी करे हैं। ब्राइट्स पे हम कम करते हैं, सिर्फ एक ट्यूटोरियल के लिए हमने ओम्ब्रे लुक करी है। तो अभी हम कलर बार की चॉकलेट ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रहे हैं एंड उसे आउटलाइन कर रहे हैं अच्छे से, एंड उसे स्मज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पेंसिल ब्रश। तो मैम की जो सीक्रेट लिप पैलेट है, साक्षी मैम की जो सीक्रेट लिप पैलेट है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं और अच्छे से उसे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत पिंकी पिंकी सा शेड ले रहे हैं, मतलब लाइटर पिंक्स ना, सॉफ्ट पिंक्स जो होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और लिप ब्रश से भी लगा सकते हो, लिप वॉन्ड से भी लगा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी, इवनली लगानी है ताकि इतने क्रैक्स ना आए। सिमिलरली हम अपर लिप्स को भी उसी से फिल कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ लिप ब्रश। तो इसी से ही हमारा जो लुक है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है, एंड हमने थोड़ी सी ग्लॉस लगाई है। आई होप आपको ये लुक बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सटल एंड ग्लॉसी, देखो बहुत ही अच्छी फिनिश आ रही है और इसमें कोई भी फिल्टर अप्लाइड नहीं है। तो अगर गाइज आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है तो अभी जाके उस पर फॉलो करो, मेरे सारे मेकअप्स आप देख सकते हो। इसी से ही ये वीडियो एंड होती है।